अस्सलाम नाजरीन, इस वक्त हम वाटर एंड एनर्जी एक्सपो के अंदर मौजूद हैं और वाटर रेमेडी के स्टॉल के ऊपर हैं। जवाद साहब हमारे साथ हैं। जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है एग्जीबिशन? जी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा एक्सपीरियंस है। हम सेकेंड टाइम है इस एक्सपो में कराची में, तो बेसिकली हम लाहौर बेस्ड कंपनी है और हमारी प्रेजेंस है लाहौर में, हेड ऑफिस है, कराची में ऑफिस है, फैसलाबाद में। तो कराची तो पानी के मसाइल ज़्यादा भुगत रहा है दूसरे शहरों की नस्बत, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल भी इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है और हमारा भी सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्री को, रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा जा रहा है। आप वाटर रेमेडी के बारे में बताइएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, वाटर रेमेडी के प्लेटफॉर्म से हम जो है आर ओ प्लांट्स बना के देते हैं, हमारा मैनुफैक्चरिंग है अपना लाहौर में। इसके अलावा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है और एक और चीज़ हम वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर काम करते हैं, यानी इंडस्ट्री में जो पानी है उसको वेस्ट करके और वेस्ट ट्रीटमेंट से पहले किसी स्टेज पे अगर आप रीयूज़ कर सकते हैं तो वो भी हम कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कराची में तो लोग ख़रीद के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उसको वेस्ट करने की बजाय रिसाइकिल कर सकें तो ये गुड है उसके लिए। अच्छा, इस वक्त इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी है और इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है, तो इसमें सप्लाई चेन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या आपकी इंडस्ट्री भी इससे इफ़ेक्ट हुई है? जी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। असल में ये अगर तो इस ख्याल से इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है कि हम खुद नसारी की तरफ जाएं, तो इससे पहले एक स्टेप आता है कि खुद नसारी के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करवाएं। तो बिल्कुल हम भी इसको सफ़र कर रहे हैं, हमारे जो वैल्यूड और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं बाज़ात हम उन्हें कोई चीज़ नहीं दे पा रहे, हमने तो इम्पोर्ट करके या इम्पोर्टर से लेके देनी है, इसमें प्रॉब्लम है। मैं ज़ाती तौर पर इस हक में हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका तरीका ये होना चाहिए कि पहले सब्सिट्यूट यहाँ पर अवेलेबल हो। अगर आपके पास इक्वल क्वालिटी का सब्सिट्यूट हमें मिल जाए यहाँ से, हम भी लोकल को प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ नागजीर है तो वो आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इस वक्त बहुत बड़ा मसला सिंध के अंदर सैलाब का पानी है, तो आप लोगों के पास कोई ऐसा भी रेडीमेड सोलूशन है जो वहाँ उन गाँव देहात के अंदर या शहरों के अंदर लगा दिया जाए और वो जो मुतासरीन हैं कम अज़ कम उनको कुछ अरसे के लिए साफ़ पानी मिल जाए? जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, लेकिन हमारे पास हम इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बड़े साइज़ में हैं, वो आपने जो यूट्यूब वगैरह पे देखे हैं छोटी मेम्ब्रेन के साथ, और वो भी वक्ती तौर पर इसका सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दुआ तो ये है कि सैलाब ना आए, तो सैलाब के डिज़ास्टर की अलग से मैनेजमेंट हो, जो सिचुएशन आ गई है उसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन हम उस पर फिलहाल डील नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच सर।